अगर आप किसी जंगल में फंसे हुए हो, आपके पास खाना पकाने के लिए बर्तन नहीं है, तो स्काउट क्या करता है? हमेशा हर चीज से बर्तन बनाता है। तो आज हम एक मेथड सीखेंगे, उस मेथड का नाम बेग्स वुडमैन मेथड है। क्या है? शाबाश। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी भी आप फल को ले सकते हैं, ठीक है, प्याज हो गया, टमाटर हो गए, किसी भी फल को आप एक बर्तन में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इस टाइम आलू और अंडे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आलू को सही से पहले कट करेंगे, थोड़ा सही ना ऊपर ना, कितना सा कट, दो पीस में कट करेंगे। उसके बाद आलू से ना अंदर बगैर बाहर वाले हिस्से को नुकसान पहुंचाए, हमने अंदर वाले हिस्से को काटना है। आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे हल्का फुल्का कर गया, हमने अंदर से खोखला करना है इसको, ठीक है। और हम अभी जल्दी से इसको खोखला कर देते हैं। और जो कचरा है ना, कचरे को हमेशा एक प्लेट में डालना पड़ता है, ठीक है। आप चम्मच भी ले सकते हैं, आप कोई लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हैं इसको खाली करने के लिए, जो आपके पास है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मुकम्मल खोखला कर दिया, अब इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ डाल सकता हूँ ना पकाने के लिए। वैसे आपने आलू पकाकर खाया है कभी घर में? तो उसके बाद अंडा दे दे, इसको क्या करना, देखो ये ऊपर केप है ना, केप को भी थोड़ा सा हमने वो करना पड़ेगा, खोखला करना पड़ेगा, वरना ये केप सही से पकता नहीं है। कैप भी साफ हो गया, ठीक है। अभी हम यार अंडे को तोड़ेंगे, यार अंडे को किसी चीज से तोड़ो ऐसे। अच्छा, तो हमारे पास
हमारी जो रेसिपी थी वो पक के रेडी हो गई। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये पक गई है। हम पहले इसके कांटे निकाल लेते हैं। लीजिए देखिए, आप बहुत ही अच्छी तरीके से ये पक गया है। तो अभी हम टेस्ट करेंगे, पहले इस कांटे निकाल लेते हैं सारों के। स्काउटिंग में ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है कि आप बगैर बर्तन के कैसे खाना बना सकते हैं। तो ये अंडा पूरी तरीके से सही से पक गया है, सर प्लीज़ इसे टेस्ट कीजिए। आप लोग भी आगे बिस्मिल्लाह करें, चेक करें कैसे बनाएं।